个黑一万了。નમસ્કાર, સમાચારમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું આપની સાથે સંધ્યા. દિલ્હીમાં કેન્દ્રીય કેબિનેટની બેઠક મળી અને જેમાં કેટલાક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવાયા છે. કેન્દ્રીય મંત્રી રવિશંકર પ્રસાદે માહિતી આપતા કહ્યું કે રવિ પાકના ટેકાના ભાવમાં વધારો કરાયો છે, જેમાં ઘઉંમાં 85 રૂપિયા, સરસિયાના તેલમાં 225 રૂપિયા, ચણામાં 255 રૂપિયાનો વધારો કરાયો છે. ઉપરાંત બીએસએનએલ એમટીએનએલને બંધ નહીં કરવાનો નિર્ણય પણ લેવાયો છે, જેમાં 15,000 કરોડ રૂપિયાનો સાવરેન બેન્ડ બનાવાશે. બીએસએનએલ એમટીએનએલને બંધ નહીં કરાય તે નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. કેન્દ્રીય કેબિનેટના મહત્વપૂર્ણ આ નિર્ણય કેબિનેટની મીટિંગ મળી હતી અને જેમાં મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવી, જેમાં ખેડૂતોને લાભકારી નિર્ણય પણ લેવામાં આવ્યો છે. રવિ પાકના ટેકાના ભાવમાં વધારો કરાયો છે. ઘઉં, જઉં, સરસિયું જેના ટેકાના ભાવમાં વધારો કરાયો છે. પેટ્રોલિયમ આઉટલેટનું કામ નવી કંપનીઓ પણ ખોલી શકાશે. એલએનજી, સીએનજી, પેટ્રોલ, ડીઝલનું વેચાણ થઈ શકશે. તો કેબિનેટમાં કયા મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવાયા છે તે પણ આપને જણાવી રહ્યા છે. પેટ્રોલિયમ આઉટલેટનું કામ નવી કંપનીઓને એલએનજી, સીએનજી, પેટ્રોલ, ડીઝલનું વેચાણ થઈ શકશે. એમટીએનએલ બીએસએનએલને મર્જ કરવાની વિચારણા, સમય લાગશે પરંતુ મર્જ કરી શકાશે અને દિલ્હીમાં અનધિકૃત કોલોનીમાં રહેતા 40 લાખને મળશે માલિકી હક. આ સાથે જ આઈટીબીપીની નવી કેડરની પણ કરાઈ રહી છે સમીક્ષા. તો આ તમામ નિર્ણય લેવામાં આવ્યા છે આજની આ કેબિનેટની બેઠકમાં. ખાસ ખેડૂતો છે તેમને ફાયદો થઈ રહ્યો છે. ઘઉં, જઉં, સરસવ ના ટેકાના ભાવમાં વધારો કરાયો છે. ઇસ બારે મેં ઝ્યાદા જાણકારી લેંગે હમારે સહયોગી અનિલ કુમાર ભી હમારે સાથ જુડ ચુકે હૈ. જી અનિલ, બતાએ કે કેબિનેટ કી જો મીટિંગ હુઈ, ક્યા કુછ બાતે હુઈ, કિસ એજન્ડે પર યે મીટિંગ થી ઓર ક્યા કુછ નિર્ણય લિયે ગયે હૈ? जी मैं आपको संध्या आपको बता दूं कि इसमें 5 आज अहम मुद्दे थे. सबसे अहम मुद्दा अगर की बात की जाए तो सरकार एमएसपी बढ़ाई है कई ऐसे जो रवि फसल है उसको लेकर के. मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो रवि फसल है, खासकर अगर गेहूं की बात की जाए, जो 85 रुपए प्रति क्विंटल का दाम से एमएसपी बढ़ा है और बार्ली में भी 85 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, 225 रुपए सरसों तेल में की गई है, चना में 255 रुपए और सेफ्लावर में 270 रुपए और लेंटिल में 325 रुपए. तरह से किसानों के जो एमएसपी देने की बात है, इससे उनके हाथ में ज्यादा रकम आएगा तो निश्चित तौर पर वो अपने फसल में ज्यादा खर्च कर पाएंगे, अपने जो रोजमर्रा की चीजें हैं उस पर खर्च कर पाएंगे क्योंकि उनके फसल की कीमत ज्यादा मिलेगी. इसके अलावा अगर बात करें तो बीएसएनएल और एमटीएनएल को लेकर के कई अटकलें लगाई जा रही थी कि कहीं सरकार उसे विनिवेश नहीं करने जा रही है या किस तरह से उसको बेचने तो नहीं जा रही या फिर बंद करने तो नहीं जा रही. इन तमाम अटकलों को बंद किया गया आज के कैबिनेट बैठक में, जब केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि सरकार इन इन जो कंपनियां हैं बीएसएनएल और एमटीएनएल उसको फिलहाल कोई ऐसा प्लान नहीं है. अलबत्ता उनसे प्रतिस्पर्धी बनाया जाएगा, यानी कॉम्पिटेटिव बनाया जाएगा और इसके लिए एक उन्होंने रिवाइवल प्लान लेकर आया है. 15,000 करोड़ रुपए के लिए वो सॉवरेन बॉन्ड जारी करेंगे और इसके अलावा 38,000 करोड़ जो बीएसएनएल और एमटीएनएल के संपत्तियां हैं उसको मोनेटाइज करने को लेकर के सरकार ने प्लान बनाया है. इसके अलावा उन्होंने एक बात और कही कि जी जो इन दो कंपनियों में कर्मचारी काम करते हैं उनके लिए अट्रैक्टिव वीआरएस लेकर के आए हैं, वीआरएस प्लान लेकर के आए हैं, जिससे जो कर्मचारी वीआरएस लेना चाहते हैं तो उसको फाइनेंशियली ज्यादा सफर नहीं करना पड़े. हालांकि यह भी कहा गया कि जो वीआरएस का मॉडल होगा कमोबेश गुजरात सरकार के वीआरएस के मॉडल के बराबर होगा करीब. दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सरकार ने एक और अच्छी खबर दी है
कि पेट्रोलियम मंत्रालय से ये खबर है। हालांकि पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक नोट भेजा था कैबिनेट को, उसको आज मंजूरी मिली है कि जो आउटलेट कंपनियां हैं नई कंपनियां आ सकेगी, इससे जो चौक चौराहे हैं वहां भी मिल सकेगा पेट्रोल पंप, वहां खुल सकेंगे। जो शॉपिंग मॉल्स हैं वहां पे भी पेट्रोल पंप खुल सकेंगे, उसके लिए रास्ता आज साफ हो गया है। इससे निवेश और रोजगार बढ़ेगा, ऐसा सरकार दावा कर रही है। इसके अलावा आईटीबीपी से जो कैडर की है उसकी एक कैटेगरी की जो कैडर है उसकी समीक्षा की बात आज की कैबिनेट में मंजूरी मिली है। इसके अलावा अगर बात करें कि सरकार ने बात कही है कि भविष्य में वो करने जा रहे हैं, उनका प्लान है कि एमटीएनएल और बीएसएनएल को मर्ज किया जाएगा, यानी एक कंपनी बनाया जाएगा। ये एक बड़ी खबर है क्योंकि बीएसएनएल और एमटीएनएल, जैसा कि हम जानते हैं बीएसएनएल एक लिस्टिंग कंपनी है, एमटीएनएल लिस्टिंग कंपनी, तो ऐसे में देखना होगा कि किस तरह सरकार इसको आगे लेकर जाती है। जी संध्या जी, जी अनिल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर